इसे बना रहा हूँ जी, याद करोगे। जाओ स्वर की औलत को ढूंढ के लाओ, जल्दी जाओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पप्पू। हाँ बहुत अच्छा नाम है। मेरे पास आओ बेटे, है इतना बड़ा घंटा। उठ, कहाँ है वो स्वर का बच्चा? बोल, कहाँ है वो स्वर का बच्चा? अरे बोलता है कि नहीं? खबरदार, देखता नहीं मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है। क्या कहा? सोर का बच्चा? वो मेरा भाई है। नहीं नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। डैडी प्लीज मुझे जाने दो। नहीं तू वहां नहीं जाएगी। डैडी भाई कसम, तू ऊपर जा, मैं जाता हूं। मैं मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, इसके साथ खेलने का दिल करता है मेरा। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। कहाँ है उस सुअर की औलाद? नहीं बताऊंगा। अगर मालूम होता तो भी नहीं बताता। जवानी में मरना चाहते हो बेटा? मौत का दिन तो अल्लाह मुकर्रर कर देता बलबीर। तू मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर डाल, लेकिन शहीद करबला की कसम, मेरे बदन के हर टुकड़े से तेरे सवाल का यही जवाब आता रहेगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ले इसे। छोड़ के औलाद, मेरे दस गिनने से पहले अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं इन सबको भून के खत्म कर दूंगा। एक, दो, तीन।
क्या किया आपने? मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि बलबीर को तुम जान से नहीं मारोगे। बलबीर की मौत मुझ पर उधार है रघु। ये उधार आपके जीवन पे बोझ बन चुका है, मैं उसे सुनकर हल्का करना चाहता हूं। ये कहानी हमारी शादी के दिन शुरू हुई। वैसे तो मैं तुम्हें कई तरीके से मार सकता हूं, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम मुझे फांसी पर लटका दोगे। मैंने सोचा तुम्हारी यह तमन्ना जरूर पूरी होनी चाहिए। मंगूस, लटका दे इसे। दोस्तों, एक काम करते हैं, इस मोटरबाइक को हटाकर इसे यहां खड़ा कर देते हैं। ये सती सावित्री है ना, इसकी जगह इसके पति के चरणों में है। कहां? ध्यान से सुनो श्रीमती रंजीत सिंह, जब तक तुम में दम है तुम खड़ी रहोगी, तुम्हारा पति जिंदा रहेगा। जब तुम थक गई तो तुम्हारे पति के गले में फांसी का फंदा। ये मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहता था ना। रंजीत सिंह, जब तक ये आवाज तेरे कानों में गूंजती रहेगी तुझे तसल्ली रहेगी कि तू जिंदा है। जब ये आवाज बंद हो जाएगी तुझे लगेगा तेरी मौत नजदीक आ गई है।
अच्छा हम चलते हैं रंजीत सिंह। तेरी माँ तन्हाई में होनी चाहिए ताकि तेरा मनहूस चेहरा कोई न देख पा। चलो